जब से जीएमसी बनी है तब से इनके पास कोई अपनी गाड़ियां अभी जीएमसी की गाड़ियां अभी नहीं आई हैं। हमारे पास डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस की जीएमसी डोडा में मौजूद हूं और आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो है एक एम्बुलेंस जो है जीएमसी डोडा को दी गई। ठीक है, मेरे ऊपर देख रहे होंगे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आज ये एम्बुलेंस जो है सीएमओ डोडा को सौंपी गई और डेप्यूटी कमिश्नर डोडा खुद ही इसको जो है इसके इनॉग्रेशन के लिए आए और यहाँ के लोकल परवेज जी, इनको आप जानते होंगे, आए दिन कोविड में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया और कोविड में जो है जी जान लगा के जो है इन्होंने ड्यूटी की और कोविड वॉरियर्स का अवार्ड भी इनको मिला है। इनसे भी हमने बातचीत की कि जीएमसी में जो ड्राइवर्स हजरात है कितनी पुरानी गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करते हैं और जीएमसी की मैं ख़ास बात करूँगा, जीएमसी को अभी तक उनकी अपनी गाड़ियाँ जो है नहीं मिली, एम्बुलेंसेज नहीं मिली, सिर्फ कुछ बसें हमें देखने को मिली थी जो स्टाफ के लिए लाई गई थी। आज हमने ड्राइवर हजरात से भी बात की, डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी बात की और यहाँ के सीएमओ साहब से भी बात की। देखिए फिलहाल ये खास रिपोर्ट। तो बताएं आज के हवाले से, आज अपने जीएमसी डोडा में मैनेजर आज एमएसआई डीसीओ के दफ्तर से मेरा कांटेक्ट चल रहा है ना, सर उसके अलावा गांव में अलग अलग सब सेंटर्स है जहाँ पे एम्बुलेंस है लेकिन उनको रन नहीं किया जा रहा है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं सर। हर चीज़ जब भी कोई अपग्रेडेशन होती है या इस तरह के सिस्टम बनाए जाते हैं उसके बीच में हर चीज़ में दिक्कत आती है, गवर्नमेंट हो रही है में जो कि एम्बुलेंसिंग में भी खड़ा रहा है, मेडिकल स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ें, दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। यस सर, जो चीज़ें 10 महीने पहले नहीं थी वो आज हैं, आज स्टेटस है वो आगे अपग्रेड हो गए। थैंक यू सर। आज दिन के हवाले से बताएं कि जिस साहब ने विजिट किया और कुछ एम्बुलेंस प्रोवाइड किए इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जिस साहब ने जीएमसी में आज शुरुआत में आज इसलिए विजिट किया कि जो हमारे हमने डोनेट किए सर, अलग अलग सब सेंटर से कंप्लेंट आ रही है कि एम्बुलेंस है लेकिन उन पर ड्राइवर्स नहीं आए यार, वो रन नहीं करते किसी उसके बाद में आपसे बोलेंगे कि सब सेंटर जो होता है वो फैमिली वेलफेयर का होता है, वहाँ एम्बुलेंस होने का सवाल ही नहीं है। हम एम्बुलेंस वहाँ देते हैं जहाँ पर ड्राइवर की कोई सेंक्शन है, जहाँ ड्राइवर की कोई सेंक्शन ही नहीं हो और कोई दूसरा लोग आदमी कोई दूसरा उसको चलाए अनऑथराइज करते हैं और कल कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए फिर हमें सर अलग अलग आपको पता है कि चनावली में हर वक्त एक्सीडेंट होते रहते हैं लेकिन एम्बुलेंस से पूरी नहीं होती है, उसके लिए जीएमसी देखो हमारे पास एचएल की तरफ से परसों एक एम्बुलेंस जो हमने ट्रेनिंग में रखी, उसके अलावा 5 हमारे 108 की एम्बुलेंस हैं, 10 हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त डोडा प्रॉपर में 8-10 एम्बुलेंस जो हमारे 102 की हैं और इसके लिए रेड और एम्बुलेंस और एम्बुलेंस जिसे ये हमें मोटर द्वारा इसकी परफॉर्म आएगी। थैंक यू सर जी। आपका नाम? मेरा नाम परवेज इकबाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है, मैं जीएमसी में एक ड्राइवर हूँ। परवेज़ जी मुझे बताएं कि जीएमसी डोडा में ड्राइवर्स को कितनी मुश्किलात होती है, क्यों आप जानते हैं आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं चनावेली में, तो किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है ड्राइवर्स को? परवेज़ साहब मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाल कर हमारे पास आए, हमारी परेशानी जानने के लिए आप हमारे पास आए, हम आपका शुक्रिया करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2 या 3 साल से 2019 से ये हमारा जो हॉस्पिटल था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये कन्वर्ट हो गया जीएमसी डोडा में और आज की डेट में हमारे ड्राइवर जो हैं हमारे भाई जो हैं हमें बहुत सारी चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जब से जीएमसी बनी है तब से इनके पास कोई अपनी गाड़ियां अभी जीएमसी की गाड़ियां अभी नहीं आई हैं।
हमारे पास डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस की जो गाड़ियां हैं NHM के थ्रू, जो श्यामू साहब के निगरानी में यहां पे गाड़ियां आई हैं, वही गाड़ियां हम आज की डेट में चला रहे हैं। और हर कोई गाड़ी 5 लाख से ऊपर चली हुई है। और यहां पर आपको पता है कि यहां पर न रात है न दिन है, कभी एक जगह से पेशेंट को पिक करना है, कभी दूसरी साइड को हायर सेंटर के लिए पेशेंट को ले जाना है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर एक ऐसा इंसान होता है कि न उसको रात दिखाई देता है न उसको दिन दिखाई देता है, लेकिन जब वो यहाँ से, आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे पे जब चला जाता है तो रोड कितनी खतरनाक है, लेकिन ड्राइवर को एमरजेंसी होती है, उसको जाना भी होता है, उसको पेशेंट को पहुँचाना भी होता है, तो क्या ड्राइवर को अंदर से डर नहीं लगता ये नेशनल हाईवे को देख कर, रोड के हालात को देख कर? नहीं नहीं परे साहब, इसमें एक अल्लाह ताला का एक शुक्र है कि अल्लाह ताला हर किसी को ये मौका नहीं देता है खिदमत करने का। अगर अल्लाह ताला ने हमें चुना है इस काम के लिए तो हम इस अपने काम में बखूबी पूरा 100% योगदान देंगे अपने पेशेंट को। जब हम पेशेंट यहाँ से बिठाते हैं, चाहे जम्मू ले जाएं या श्रीनगर के लिए जाएं, जहाँ के लिए भी जाएं, हमारा सबसे पहला एक ही चीज़ होती है कि हमारा जो पेशेंट है वो सही सलामत हायर सेंटर में पहुँचे। तो उसकी हिफाजत के ज़िम्मे अल्लाह ताला को है और हम भी अल्लाह ताला के सुपुर्द हैं। बाकी रही मसला, रोड ख़राब है, अब हमें 8-8, 10-10 साल हो गए इस रोड पर चलते हुए, अब इतना तो हमें पता ही है कि हमने ड्राइव कैसे करनी है। और आज की डेट में हर गाड़ी में GPS लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ियां ट्रैक होती हैं जम्मू से, हमारी गाड़ी इस वक्त कहां पे है कहां नहीं है। पहले दौर में तो ड्राइवर बोलता था कि अगर वो एक दिन जम्मू जाता था तीसरे दिन भी बोलता था मैं जम्मू में हूँ, मगर आज की डेट में ये नहीं है, क्योंकि आज जब गाड़ी स्टार्ट हुई गाड़ियों में GPS लगा है, तो अगर हमारा ऑफिसर चाहे कंट्रोल रूम से पता करके ये एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है कि हमारी गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। आज आपने नेशनल NHIDCL वालों ने आपको एक नई गाड़ी प्रोवाइड की, तो कितनी खुशी हो रही है ड्राइवर्स? नहीं, ये तो एक खुशी का मुकाम है। अभी ये गाड़ी जो नेशनल हाईवे वालों ने दी है ये चीफ मेडिकल ऑफिसर को दी है। अब अभी इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए 70-80 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। अब ये देखना है कि ये डिपार्टमेंट कैसे भरता है, ये CMO ऑफिस वाले भरते हैं या GMC वाले भरते हैं, तब जाके ये गाड़ी रोड पे आ जाएगी। नहीं, रीजंस क्या है कि GMC को अभी तक कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला है या ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली है जो GMC इस्तेमाल कर सके? अभी पिछले साल हमने गाड़ियां खरीदी, बसें खरीदी हमने, जो स्टूडेंटों के लिए बसें आनी थी पहले उनकी ज़रूरत थी। इंशाल्लाह ताला ऑफिसर लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद हम भी रखते हैं कि आने वाले वक्त में 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने के अंदर हमारी ये मुश्किलात दूर हो जाए। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि ड्राइवर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपको, जो इस रोड पे चलते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर या आम ड्राइवर? क्योंकि आपको पता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर एक ऐसा ड्राइवर होता है जिसकी सोच और जिसका तकाजा बिल्कुल अलग होता है, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से ड्राइवर? मेरा तो यही मैसेज रहेगा तमाम ड्राइवर्स के लिए, चाहे वो मेरे अपने भाई हों हॉस्पिटल के, चाहे ये प्राइवेट गाड़ियों वाले हों, सबसे पहली बात जो है तो एक तो गाड़ी आराम के साथ चलानी है, कोई ड्रिंक करके नहीं चलानी है। आजकल आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में कितनी हमारी कीमती जाने चली गई सब ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, और नहीं वो देखते हैं स्पीड कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। तो इस मसले में मैं आपसे यही बोलता हूं कि मैं तमाम ड्राइवर साहब से यही गुजारिश करता हूं कि वो अपनी गाड़ी सुबह जब आए अपनी गाड़ी को पहले वो मोबाइल चेक करें, पानी चेक करें, ब्रेक चेक करें, उनके टायर कैसे हैं, उनकी गाड़ी कंडीशन में है नहीं है। मैं तमाम चाहे इसमें जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी कीमती जानें इस वक्त ज़ाया हो रही हैं तो इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो मुझे भूल गया है, जब भी आप कोई ऐसे पेशेंट से मिलते हैं कि आपसे आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, तो किस तरह से उन चीज़ों का फेस करते हैं? अब परवेज साहब आपको पता है कि पिछले 10 साल से हम एम्बुलेंस चला रहे हैं, हमने रात के 1 बजे भी जाकर स्पॉट पर जाकर गाड़ियाँ काट के भी इंसानों को निकाला। अब अल्लाह का ये शुक्र और करम है हम पर कि अब हमारा जो मैदा है हम अब इस चीज़ के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार रहते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं एक बेसिकली एक एम्बुलेंस ड्राइवर लगा था डिपार्टमेंट में, उसके बाद जब 2019 में कोविड आया तब यहां पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब याकूब साहब मीर थे और उनकी ज़ेर निगरानी में मुझे यहाँ पर चार्ज दिया गया कोविड का। और उसके बाद आज की डेट तक मैंने कोविड जो जितना भी कोविड आया पिछले 2 साल में उस सब का मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों के साथ यहाँ पर जो फैसिलिटी बाहर नहीं थी वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड की। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ऑक्सीजन मैनिफोल्ड बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर PM केयर प्लांट दिए गए। उसके बाद यहाँ पर इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त अगर हम चाहें तो 1 मिनट में 4.5 हज़ार लीटर गैस हम इस वक्त अपने हॉस्पिटल में दे सकते हैं।
और ये सब मैंने अपनी निगरानी में, मेरे सामने ये बना, इसका मैं इंचार्ज भी हूँ ऑक्सीजन प्लांट का, चाहे मैनीफोल्ड हो, सिलेंडर हो, इन सब की जिम्मेदारी। सपोर्ट मिला या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अवार्ड आपको मिला, क्योंकि कोविड की महामारी में हमने भी आपको देखा कि आए दिन 24 घंटे आपने ड्यूटी की, चाहे वो रमजान का महीना हो, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो ईद हो, लेकिन आप कंटिन्यू लगे रहे, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको किसी अवार्ड से नवाजा गया? देखो जी परेश साहब, सबसे पहले हमें अवार्ड जो मिला, पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ पर उतना नुकसान नहीं हुआ। रही बात अवार्ड की, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हर इंसान से काम लेना चाहता है। अगर उसने हमें इस काम के लिए चुना है, हम गरीब आवाम के काम आ सकें, तो इससे बड़ा अवार्ड या इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर हमें अवार्ड से नवाजा गया, साहब ने हमें सबसे पहले अवार्ड दिया, उसके बाद अटल डोलू साहब फाइनेंस कमिश्नर थे, उनसे हमें अवार्ड मिला, उसके बाद हमें डायरेक्टरेट से मिला, उसके बाद हमें 15 अगस्त को भी अवार्ड मिला डीसी साहब से, और 26 जनवरी को भी मिला। मतलब ड्राइवर्स को जो है हर वक्त अवार्ड से नवाजा जाता है, तो कितनी खुशी होती है आपको जब भी आपको ऐसे अवार्ड मिलते हैं? खुशी का तो ये मुकाम होता है कि आदमी हम ही उस वक्त ये चाहते हैं कि देखो जी, हमने अगर रात दिन एक की है तो हमारे काम को किसी ना किसी ने सराहा है। तो इसमें मैं यही बोलता हूँ, फिर भी एंड पे आपको यही बोलता हूँ कि मैं तमाम अपने भाइयों से, अपने ड्राइवर साहिबान से, उनकी तरफ से जो रात दिन चलते हैं, मैं उनकी तरफ से भी आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास यहां पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जनाब। गप कर स्टार्टअप जरा होते माइक अंत तक तो इधर इतनी देर।